नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम लोग पब्लिक पोल लेने के लिए बाराजोर पंचायत में आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, चकाई में लगभग सारे प्रत्याशी का सुपड़ा साफ हो गया। एक प्रत्याशी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। जनता की राय है कि जो वर्तमान मुखिया था वो बिल्कुल काम नहीं किया, इस पर हम लोग बदलाव चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस करवट बदलती, क्योंकि कल मतदान है। हम लोग किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, एक अपील अपने चैनल के माध्यम से जरूर करना चाहेंगे कि कहीं बिकना मत, कहीं टूटना मत। अपनी जनता की जो जनता का जो अधिकार है वो निश्चित रूप से उपयोग करना। इस लोकतंत्र के महापर्व में वैसे प्रत्याशी को मतदान करना जो आपके भाग्य का निर्माण कर सके, जो विकास की योजनाओं को आपकी जमीन तक, आपके घर तक ला सके। देखिएगा हमारी ग्राम रिपोर्ट। आज हम लोग ग्राम पंचायत राज बाराजोर में आए हुए हैं, जहाँ जनता का मत लेने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल पंचायत के भाग्य का फैसला है, जनता जनार्दन मालिक होती है इस लोकतंत्र का महापर्व में। अब जनता की मर्जी है क्या चलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जीतना एक प्रत्याशी को है, दर्जनों प्रत्याशी हैं मैदान में। बाराजोर पंचायत के है, 5 साल में जो मुखिया के द्वारा कार्य हुई है, जो जनप्रतिनिधि आपके उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उसको आप कितना रेटिंग देंगे, कितना संतुष्ट हैं आप उनके काम से? देखिए, काम तो जो है, काम की जहाँ तक बात है, काम तो आज के डेट में मतलब अगर अच्छाई हो या फिर काम करने, काम तो खैर अगर अच्छाई आप किए हैं ये तो खैर जनता ही देख ही रहा है। पूरा संतुष्ट आप पिछले मुखिया से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है तो आप बताइए। हमको कहना है कि बाराजोर पंचायत से जो प्रत्याशी राहत परवीन जी है, वो तो सबको ही पता है पूरा बाराजोर पंचायत में कि फारूक सरदार साहब इस पंचायत के लिए क्या किया है और क्या योगदान रहा है, ये सब एक गरीब जनता जानता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ कहना है कि अगला चुनाव का जो मोमेंट था, उस मोमेंट से कई गुना इस बार अच्छा है, जो हम सब एक साथ है और एकजुट है। और यही अपील करेंगे बाराजोर जनता से कि एक साथ बने रहे और एक सम्मत के साथ वोट करें, नए चेहरे को लावें। और हमेशा नया चेहरा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर फारूक सरदार साहब एक ऐसा चेहरा है जो सबको ही पता है। चलिए ठीक। और इस चीज़ आप बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। क्या कर रहे हैं इस बार, बदलाव की हवा भरी या फिर वर्तमान रखेंगे, क्या करेंगे? बदलाव होगा। क्यों बदलाव लाना चाह रहे हैं, क्या क्यों, आखिर इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि विकास का काम नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या करेंगे? नया चेहरा का जरूरत है, नया चेहरा आएगा जी, नया। हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन युवा हैं, युवाओं से भरा देश हमारा भारत है, ऐसे में तमाम युवा। क्या लगना है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। नया चेहरा आएगा तो उसका काम, नल जल नहीं हो रहा, बदलाव जरूरी है। नल जल पूरी तरह फेल है यहाँ, पूरी तरह फेल है, उधर तक कुछ पानी आवे ना करता। बदलाव होना बहुत जरूरी है। और इस बार बाराजोर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी राहत परवीन जी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान या फिर सत्ता परिवर्तन? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना है, एकदम होना है। परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? इसलिए नया सरकारी आ रहा है, नया चेहरा देख रहा है, फारूक सरदार इंशाल्लाह अभी जीतेगा। चलिए आप बताइए क्या इरादा, परिवर्तन होगा? अच्छा, परिवर्तन है, क्या अपेक्षा रखते हैं अभी जो जनप्रतिनिधि, यदि आप परिवर्तन चाह रहे हैं तो किन अपेक्षाओं? अगला जो मुखिया बनेगा उससे क्या उम्मीद रखते हैं? अगला मुखिया हमारा सब काम करेगा, अभी जो मुखिया है वो कुछ भी नहीं किया हम लोग के। अच्छा, 5 सालों में कुछ काम नहीं दिखा? नहीं, हम लोग अभी तक कुछ नहीं दिखा मुखिया जुड़े की लगा इस बार रखमी पहला का मुखिया के नया चेहरा है तो देखिए बुजुर्ग महिला भी, इनका भी कहना नया चेहरा आएगा। आप क्या करें मैडम? नया चेहरा आएगा। क्यों, पुराने जो मुखिया थे उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है, इससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं। उनके द्वारा विकास किया गया है पुराने मुखिया के द्वारा? हम लड़के होते दूर जाइए पर रही है क्या जी? क्या हम लोग ये रहता है कि फारूक सरदार बगल में है, बगल में वो होना चाहिए। नया चेहरा ला रही है आप लोग, महिला हमारे साथ जुड़ रही है। क्या लग रहा है इस बार, पुराना मुखिया रखिएगा कि नया मुखिया लाइएगा? नया लाइएगा। क्या नाम है? गुड़िया देवी। चलिए आप लोग मैडम, नया लाना है? हाँ। कि पुराना रखना है? नया कि पुराना? नया। लगता है दर्शकों इस बार भी बदलाव की ब्यार बह रही है। क्या मैडम, क्या करना है? नया मुखिया।
नया चुनना है, नया चुनना है मुखिया, नया चेहरा। क्यों नया चाहते हैं, नया क्यों चाहते हैं? नया चाहते हैं, पुराना मुखिया कुछ विकास नहीं किया है। नल जल का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। आवास योजना? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, इसलिए नया बदलाव चाहते हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए मुखिया नया चुन रहे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्या बदलाव है बाराजोर में, की कर्मी नया मुखिया चुन में बदलाव और ले बाराजोर में? पहले से बदलाव का है भाई, पहले मुखिया काम नहीं ना, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोग कुआं पानी पीते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? यही सोच रहे हैं, क्या लग रहा है? नया मुखिया ले भाई, न्यायालय में। चलिए देखिए, तमाम जनता तो आप जानते हैं दर्शकों मालिक होती है लोकतंत्र का, ये बहुत बड़ा उत्सव है कल, और देखते हैं क्या हो पाता है। विकास से स्कूल विकास जो चाहिए उसको सब मिल जाएगा।